सहारनपुर में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने सर्किट हाउस के सभागार में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को कानून, विकास, शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में उनका हक दिलाने का काम आयोग करेगा और पिछड़े वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो आयोग हर क्षेत्र में उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई करेगा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वह अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह हैं। वह अपने आप को सुधार ले, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वार्ता इसलिए कि यहाँ मैं सहारनपुर में आया था, मैं पिछड़े वर्ग का उपाध्यक्ष हूँ, राजमंत्री हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि पिछड़े वर्ग की योजनाएं और जो उसके अधिकार हैं वो जनता के बीच में आपके ही द्वारा जाएगा, यही तो मकसद था। और वो चीज़ मैंने आपके बीच में बताया भी है। क्या क्या मुद्दों पर आपने चर्चा की? जैसे पिछड़े वर्ग का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये शायद अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होता है। हम लोग उसको जा करके बताते हैं और यही वजह है कि आप लोगों के सहयोग से पिछड़े वर्ग में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा दिया है, आज पिछड़ा वर्ग पूरे देश का खुशी से झूम रहा है। और जो बड़े लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित था, जो उसके अधिकार उसको धीरे धीरे मिलना शुरू हुए हैं, और जो महंगा उसको न्याय नहीं मिलता था, हमेशा उसके साथ जास्ती होती थी, आज सस्ता न्याय आयोग देने के लिए उनके दरवाजे पे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।